बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। श्री महामति कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यों कर, आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर, सो लीजे चित धर। महाकारण। अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। प्रणाम जी सुंदर साहब जी, प्राणधार सुंदर साहब जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि बीतक शब्द का अर्थ क्या है, बीतक की आवश्यकता क्यों है, अथ शब्द का प्रयोग शुरुआत में क्यों की गई है, बीतक में वर्णित तीन स्वरूप कौन कौन से हैं, चारों युगों के राजाओं का वर्णन क्यों किया गया है। अब आगे महामति श्री लालदास जी अगले प्रकरण में कह रहे हैं, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। और इस प्रकरण का शीर्षक है महाकारण। महाकारण का तात्पर्य क्या होता है? सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि बिना किसी कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है। प्रगट वाणी का कथन है, बिन कारण कारज नहीं होए। प्रत्येक कार्य के पीछे एक कारण छिपा होता है और उस कारण का भी जो कारण होता है उसे महाकारण कहते हैं। तो इस प्रकरण में महाकारण के विषय में बताया और प्रश्न ये होता है कि महाकारण किसका, ऐसा कौन सा कार्य हुआ जिसके कारण और फिर महाकारण की बात हो रही है। तो कार्य है यह खेल अथवा ये कालमाया के ब्रह्मांड में हो रही वर्तमान लीला, ये एक कार्य है। इसके पीछे जो कारण है और उस कारण का भी जो कारण है जिसे महाकारण कहा गया है उसका वर्णन इस प्रकरण में किया गया है शुरुआत में। और उसी क्रम में सबसे पहले कह रहे हैं, अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक। अब मैं फिर से अर्थात पुनः दोबारा मैं मूल मिलावे की बीतक कहने जा रहा हूँ। इसमें एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि अभी तो बीतक की शुरुआत हुई है, ब्रह्म सृष्टियों की बीतक के क्रम में ये पहला प्रकरण है, इससे पहले राजाओं का वर्णन हुआ है प्रकरण संख्या एक में, लेकिन हमारी जो लीला है कल हमने अंतिम चौपाई सुनी थी कि आगे अपनी बीतक सो लीजे चित धर। तो ब्रह्म सृष्टियों की बीतक के क्रम में तो ये सबसे पहला प्रकरण है, भले ही संख्या दो है और अभी शुरुआत भी नहीं हुई, लेकिन कह रहे हैं अब कहूँ फेर के मूल मिलावे की बीतक, दोबारा मैं मूल मिलावे की बीतक कहने जा रहा हूँ अथवा उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। तो पहले तो कभी हुआ ही नहीं, बीतक की तो अभी शुरुआत हुई है। किसी लीला का वर्णन अगर पहले एक बार हो चुका हो तब हम कह सकते हैं कि दोबारा कहने जा रहा हूँ। तो इसका समाधान ये है कि जैसे कल हमने सुना था, वाणी और बीतक ग्रंथ के रूप में दो अलग अलग हैं लेकिन तत्व ज्ञान की दृष्टि से एक ही हैं। तो बीतक के अवतरण से पहले श्रीमुख वाणी में, खिलवत ग्रंथ में, परिक्रमा के भी कुछ प्रकरणों में, सागर ग्रंथ के प्रकरण में, जैसे कि अभी हमने वाणी गायन सुना, हक बैठे रूहों मिलाए के खेल देखावन काज, ये मूल मिलावे की बीतक है और सागर ग्रंथ के अंदर है। तो सागर में, खिलवत में और परिक्रमा के कुछ प्रकरण में मूल मिलावा से संबंधित
लीलाओं का वर्णन किया गया है और उन्हीं लीलाओं को पुनः इस प्रकरण में हम सभी सुंदर साथ को ये याद दिलाने के लिए कि खेल का कारण और महाकारण क्या है उसका वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं जैसी आज्ञा धनी की सो बातें बुजरक। धाम धनी की आज्ञा से उनके हुक्म से जिन बातों का वर्णन हो रहा है जिन लीलाओं का वर्णन हो रहा है वे अति महत्वपूर्ण है अत्यंत महिमावान है बुजरक अर्थात श्रेष्ठ। पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क करें पहले मूल अद्वैत में इस कालमाया के ब्रह्मांड को द्वैत की भूमिका कहा जाता है अर्थात द्वैत का ब्रह्मांड कहा जाता है। द्वैत का तात्पर्य है यहां पर माया और जीव की लीला होती है। योग माया के ब्रह्मांड को अथवा योग माया की भूमिका को अद्वैत की भूमिका कही जाती है क्योंकि वहां पर अक्षर ब्रह्म अपनी अनादि माया के साथ में लीला करते हैं अथवा इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस स्थान पर अनादि ब्रह्म अपनी अनादि माया के साथ लीला करता है उसको योग माया कहते हैं तो वह अद्वैत का ब्रह्मांड है। परंतु अद्वैत का ब्रह्मांड होते हुए भी वहां पर वहदत अथवा एकत्व की अनुभूति नहीं है इसलिए उसको स्वलीला अद्वैत नहीं कहा जा सकता है। लेकिन परमधाम वहाँ चाहे हम राज्य कहें श्यामा जी कहें सखिया अथवा ब्रह्म सृष्टि कहें या फिर अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी या परमधाम के जो 25 पक्ष हैं उनका हम वर्णन करें अक्षरातीत श्री राज जी ही इन सभी रूपों में लीला कर रहे हैं अर्थात उनकी ही लीला। स्व का मतलब होता है अपना अथवा अपनी। ब्रह्म की स्वयं की लीला परमधाम में विभिन्न रूपों में हो रही है इसलिए उस परमधाम को स्वलीला अद्वैत कहा जाता है। ये ब्रह्मांड द्वैत की भूमिका योग माया अद्वैत की भूमिका तथा परमधाम स्वलीला अद्वैत की जिसको मूल अद्वैत कहा है। तो पहले मूल अद्वैत में भौम जहां इश्क जहां पर इश्क ही इश्क की भूमि है वहां का प्रत्येक कण प्रेममयी है तहां प्रेम रबद में भया हुकम हक। अपने प्रेम को अपने इश्क को बड़ा दर्शाने के लिए अपने इश्क की महिमा को बताने के लिए जो एक बातचीत हुई रब्द का मतलब केवल विवाद अथवा झगड़ा नहीं होता है रब्द का मतलब है बातचीत। एक प्रेम में बातचीत हुई कि प्रेम किसका बड़ा है और उस बातचीत के सिलसिले में राज्य का हुक्म हुआ। एह खेल देखन की इच्छा उपजाई दोए। इस चौपाई को तीसरी चौपाई के दो चरण को और दूसरी चौपाई के अंतिम दो चरण को अगर हम देखेंगे तो कारण और महाकारण ये दोनों स्पष्ट हो जाएंगे। अक्षरातीत के हृदय में जो इच्छा उत्पन्न हुई कि मैं ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाऊं अथवा मैं ब्रह्म सृष्टियों को अपने इश्क की पहचान कराऊं उसको महाकारण कहा गया। और महाकारण आगे जाकर के कारण रूप में कैसे व्यक्त होता है तो इस तीसरी चौपाई में बता रहे हैं कि एह खेल देखन की इच्छा उपजाई द्वय। अक्षर और सयन को आदि अनादि फल कहो सोए। अक्षर ब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों को एक है सत का अंग और दूसरा है आनंद अंग। सत अंग और आनंद अंग दोनों को यह खेल दिखाने की इच्छा राज्य के हृदय में हुई तो जब तक यह इच्छा हृदय तक थी तब तक वह महाकारण कहलाई और जब आगे वह लीला रूप में प्रकट हुई तो वह कारण कहलाई। जब अक्षर के हृदय में ये इच्छा उत्पन्न हुई कि अनादिकाल से परमधाम में अक्षरातीत ब्रह्म सृष्टियों के साथ में कैसी लीला करते हैं उस लीला के विषय में मैं जानूं उस लीला का मैं आनंद लूं और अक्षर ब्रह्म किस तरह से बनने और मिटने वाले खेल के मालिक हैं किस तरह से वो खेल को बनाते हैं और मिटाते हैं इस बनने और मिटने वाले खेल को देखने की इच्छा ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में उत्पन्न हुई। उन दोनों को एक को आदि फल कहा गया दूसरे को अनादि फल। ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में इच्छा हुई
आदि और अंत वाले खेल को देखने की। इसलिए ब्रह्म सृष्टियों की इच्छा को आदिफल तथा अक्षय ब्रह्म के हृदय में जो इच्छा हुई अनादि काल से परम धाम में चल रही लीला को देखने की, तो उस इच्छा को अनादिफल कहा गया। तो ये हो गया कारण। हमने महाकारण भी समझा, कारण भी समझा। पहले महाकारण, तत्पश्चात कारण, और महाकारण तथा कारण के पश्चात अब कार्य रूप में कैसे परिणित हुआ उसके विषय में आगे कह रहे हैं कि ताके तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड। राज जी ने अपने हृदय में ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने की इच्छा उत्पन्न हुई। अब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में इच्छा आई, जैसे कि वाणी का कथन है, पहले लई हक्के दिल में पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यों कर हुआ जहूर। राज्य के हृदय में जैसे ही बात आई तो साथ साथ में श्यामा जी और ब्रह्म सृष्टियाँ तथा अक्षर के हृदय में ही आई। अब उन्होंने इस खेल की भूमिका कार्य रूप में कैसे परिणित हो रही उसको बताना शुरू किया कि अक्षर ब्रह्म अनादि काल से राज्य का दर्शन करने के लिए जाते थे, चांदनी चौक में पहुंचते थे, जिसका वर्णन पुराण संहिता के अंदर, माहेश्वर तंत्र के अंदर अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया गया है। वाणी में भी वर्णन है कि अक्षर ब्रह्म प्रतिदिन दर्शन के लिए जाते थे, जो कि राज्य के सत अंग का स्वरूप है, और प्रतिदिन राज्य का दीदार करके अपने धाम में वापस लौटते थे। लेकिन कभी भी न अक्षर के हृदय में ब्रह्म सृष्टियों को देखने की जिज्ञासा हुई, न ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में अक्षर को देखने की इच्छा हुई, क्योंकि दोनों अपनी अपनी लीला में मग्न थे। ब्रह्म सृष्टियां अपने आनंद की लीला में मग्न, और अक्षर ब्रह्म राज्य से प्रेम अथवा आनंद लेकर के फिर अपनी सत्ता के लीला में मग्न। लेकिन चूंकि ये एक कारज कारण बना खेल बनने का, तो खेल बनने की भूमिका में अब अक्षर ने ब्रह्म सृष्टियों को देखा। ब्रह्म सृष्टियों के चरण से जो नूर अथवा जो तेज, जो प्रकाश निकल रहा था, उस नूर को जैसे उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि ये नूर ही इतना आनंददायी है तो संपूर्ण स्वरूप कैसा होगा, और जब स्वरूप इतना सुंदर होगा तो उनके साथ में लीला कैसी होगी। वहाँ से उनके अंदर एक जिज्ञासा की शुरुआत हुई। और अब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में भी इच्छा डालनी है कार्य रूप में, तो राज्य ने भी अक्षर ब्रह्म की तरफ थोड़ा सा मुड़ करके देख लिया। अब सोचिए कि आप सब एकटक मुझे देख रहे हैं, मेरी चर्चा को सुन रहे हैं, और मैं अचानक से चुप होकर के पीछे की तरफ दरवाजे की तरफ देखने लग जाऊं तो आपको लगेगा, आपके हृदय में जिज्ञासा होगी कि कौन है, किसको देख रहे हैं, और आप सब स्वभावतः पीछे देखेंगे कि कौन आया होगा। तो कौतूहलवश ब्रह्म सृष्टियों ने भी देखा और उन्होंने सोचा कि हम तो अब तक एक ही पुरुष को पहचान रहे थे, ये दूसरा पुरुष कौन है। उन्होंने फिर राज्य को पूछा कि ये कौन है। राज्य ने कहा कि ये अक्षर ब्रह्म है और खेल को, माया को अथवा ब्रह्मांड को बनाने और मिटाने का काम करते हैं। अनेकों ब्रह्मांड बनाते हैं और मिटाते हैं, दुख रूपी जो ब्रह्मांड है बनाते हैं और मिटाते हैं। अब जिसने कभी दुख के विषय में जाना ही न हो वो फिर क्या कहेगा, यही पूछेगा कि दुख किसे कहते हैं, क्योंकि जिसने हमेशा आनंद अथवा सुख को ही जाना हो उसको तो दुख रूपी शब्द भी अगर सुनाई पड़े तो वो सोचेगा कि होगा कोई किसी लीला को कहते होंगे दुख, क्योंकि उसको पता ही नहीं। तो ब्रह्म सृष्टि ने कहा कि हमें भी इस दुख को देखना है, कौतूहलवश जिज्ञासावश। तो राज्य ने अब ब्रह्म सृष्टियों को मना करने के लिए अनेकों उदाहरण दिए। पुराण संहिता में इस लीला को ऐसे वर्णन किया गया है कि फुल्ल पद्मम सरह त्यक्त्वा मृग तृष्णामनुधावत मामानंदम परित्यज्य पाषाणम पूजयिष्यथ। पद्म कहते हैं कमल को कि हे ब्रह्म सृष्टियों, तुम कमल के फूलों से युक्त, कमल के पुष्पों से युक्त इस सरोवर को छोड़ करके मृग तृष्णा में जा रहे हो,
मृग तृष्णा किसे कहते हैं, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जब बहुत गर्मी हो, अत्यधिक धूप हो, तो हम सड़क पर निकलते हैं, तारकोल बिछी हुई सड़क पे, तो कुछ दूरी पर हमें पानी दिखाई पड़ता है, लेकिन वहाँ पहुँचने पर वहाँ पानी नहीं होता है, उतनी ही दूरी पर और आगे हमें पानी दिखाई पड़ता है। ये एक, इसको हम बोलचाल की भाषा में दृष्टि भ्रम भी कहते हैं। तो मृग तृष्णा का तात्पर्य ये है कि अगर मृग किसी तरह से रेतीली जगह पर अथवा रेगिस्तान में पहुँच जाता है, जंगल के बाहर, उसको प्यास लगती है, वो पानी देखता है, जैसे हम देखते हैं वैसे ही उसको भी पानी का भ्रम होता है, तो वो दौड़ता रहता है। मनुष्य तो चूंकि विवेकशील प्राणी है, उसको पता चल गया कि एक बार उसको पानी नहीं मिला तो वो समझ गया कि भ्रम है, लेकिन हिरण को कैसे पता चलेगा, मृग को कैसे पता चलेगा कि ये भ्रम है। तो उस पानी के भ्रम में भ्रमित होकर के, उसको वास्तविक पानी जल मान करके, उतनी ही दूरी पर दौड़ करके जाता है। वहाँ पानी उपलब्ध नहीं होता तो वो जीवन भर इस तरह से दौड़ते रहता है, जब तक वो प्यास से तड़प तड़प करके मर नहीं जाता, तब तक वह दौड़ता रहता है। तो इसको मृग जल कहा है अथवा मृग तृष्णा कहा गया है कि जो वास्तव में है नहीं और उसके पीछे अगर कोई भागे, उसके लिए तड़प करे, उसके लिए प्रयास करे, तो उसको मृग जल अथवा मृग तृष्णा कहा जाता है। राज जी ने कहा कि आप मृग तृष्णा रूपी जगह पर जा रहे हो, कमल के पुष्पों से भरे हुए सरोवर को छोड़ करके, और वहाँ जा करके तुम क्या करोगे, मामानंदम परित्यज्य, मेरे आनंद को त्याग करके, छोड़ करके, तुम पाषाण अथवा पत्थर की पूजा करोगे। और आज क्या हो रहा है, ब्रह्म सृष्टियाँ आई हैं अलग अलग स्थानों पर और ब्रह्म सृष्टियाँ ऐसा ही कर रही हैं, कोई किसी देवी की, कोई किसी देवता की पूजा कर रही है, कोई किसी नदी में डुबकी लगा रही है, कोई नाले में डुबकी लगा रही है, कोई किसी पौधे की, किसी वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, आरती, भोग इत्यादि कर रही। तो इस तरह से जब राज जी ने मना किया कि तुम मृग तृष्णा के जल के पीछे दौड़ोगे, अब इतना कहने पर भी कैसे पता चलेगा। उदाहरण के लिए एक बालक, एक बच्चा आग को सुंदर मान करके उसकी तरफ बढ़ता है, तो माता अथवा उसके जो पिता होंगे, जो अभिभावक होंगे, वो क्या कहेंगे, वो मना करेंगे, बोलेंगे कि इस आग से तुम्हारा हाथ जल जाएगा। बच्चे को पता नहीं कि जलना क्या होता है, उसने कभी जलने का अनुभव ही नहीं किया, तो वो सोचेगा कि जलने में भी कुछ ना कुछ आनंद आता होगा, अथवा जलने में क्या होता होगा, पीड़ा का तात्पर्य क्या होगा, क्योंकि कभी अनुभव नहीं किया, तो वो उस आग में कभी ना कभी अवसर देख करके, क्योंकि माता पिता सामने होंगे तो वो डांटेंगे अथवा खींचेंगे उसको उस आग से दूर, लेकिन जैसे ही वो अवसर देखेगा बालक, तो वो आग में हाथ डालने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा, वो जल्दीबाजी में आग में हाथ डालेगा। हाँ, एक बार जलने के बाद जब उसको पीड़ा का अनुभव होगा, तो उसके बाद अगर उसको कोई कहता है कि नहीं, आग में हाथ नहीं डालना चाहिए, जलन होती है, तो उसको समझ में आएगा कि जलन किसको कहते हैं। अब ब्रह्म सृष्टि ने तो कभी दुख को देखा ही नहीं, तो उनको चाहे कितना भी समझाया जाए, फर्क पड़ने वाला नहीं था, और अगर फर्क पड़ता तो फिर राज्य के हृदय में जो इच्छा उत्पन्न हुई है ब्रह्म सृष्टियों को खेल दिखाने की, वो पूरी कैसे होती। तो राज्य ने मना किया, अंदर से चाह रहे हैं कि वो मांगे, लेकिन चूंकि हांसी भी करानी है कि मैंने तो तुमको मना किया था, तो इसलिए उन्होंने मना किया, लेकिन हृदय में इच्छा उत्पन्न कराने वाले भी तो वही हैं। तो उन्होंने अब ब्रह्म सृष्टियों के हृदय की कौतूहलता को और बढ़ाया। ब्रह्म सृष्टियाँ कहती हैं हमें देखना ही है, राज जी ने भी तीन बार मना किया, ब्रह्म सृष्टियों ने भी कहा कि हमें खेल देखना है, उन्होंने भी बार बार निवेदन किया। अब अक्षर ब्रह्म को आदेश हुआ कि तुम दुख रूपी खेल बनाओ, और अक्षर ब्रह्म को विशेष रूप से आदेश दे करके दुख रूपी खेल का, कालमाया के इस ब्रह्मांड का सृजन किया गया, और इस कालमाया के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियाँ आई। और सर्वप्रथम किस तरह से आई, महामति श्री लालदास जी कहते हैं, ताकि तीन तकरार कहे सो भय तीनों इंड, ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। कतेब परंपरा में इस खेल को लैल तुल कद्र नाम से संबोधित किया गया है, इसको कुछ सुंदर साथ अथवा कुछ विद्वान बोलचाल की भाषा में लैलतुल कद्र का अर्थ ब्रज रास और जागनी करते हैं।
वास्तव में इस शब्द का अर्थ ब्रज रास और जागनी नहीं होता, लैल तुल कद्र का अर्थ ब्रज रास और जागनी नहीं है। लैल तुल कद्र का शाब्दिक अर्थ है सामर्थ्यवान परमात्मा की लंबी रात। कद्र कहते हैं कादर अर्थात सामर्थ्यवान परमात्मा, उनकी लैल अर्थात रात्रि, तुल कहते हैं लंबी, परमात्मा की जो लंबी रात्रि है। हाँ, इस रात्रि का तीन भाग बताया गया है जिसको इस चौपाई में स्पष्ट किया कि ताके तीन तकरार कहे, लैल तुल कद्र के तीन तकरार हैं और उसको ब्रज रास और जागनी कहते हैं। उसमें सबसे पहले ब्रज लीला का वर्णन किया गया, कहते हैं ताकि बीतक जुदी जुदी माया मिथ्या नट ब्रह्मांड। अब ब्रज रास और जागनी तीनों लीलाओं की बीतक को अलग अलग करके आगे आने वाली चौपाई में वर्णित करेंगे जो कि माया मिथ्या नट ब्रह्मांड है। माया मिथ्या का मतलब मिथ्या का अर्थ है झूठी, और नट ब्रह्मांड का तात्पर्य क्या है कि आप लोगों ने शायद, आजकल तो प्रचलन में कम है लेकिन जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको पता है बाजीगर एक होता था जिसको नट भी कहते हैं, जादूगर भी कहते हैं। वो खेल दिखाता है, रुमाल लेकर के आता है, अपने हाथ की कला से अनेकों प्रकार के खेल दिखाता है और बाद में अपनी माया को अथवा अपने हाथ की कलाकारी को जब समेटता है तो कुछ होता नहीं है। हमें बहुत कुछ दिखाता है लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता है, वो उसकी हाथ की कलाकारी होती है, तो वास्तव में उसमें सच्चाई नहीं होती है। इसी तरह से इस ब्रह्मांड में हम देखते तो बहुत कुछ हैं लेकिन जो हम देखते हैं, जैसा हम देखते हैं वैसा वास्तव में नहीं होता, इसलिए इस ब्रह्मांड को माया मिथ्या नट ब्रह्मांड अथवा झूठी माया का, मिथ्या माया का नाटकीय ब्रह्मांड कहा गया, क्योंकि नाटक में और वास्तविकता में फर्क होता है। और इस नाटकीय ब्रह्मांड में सबसे पहले हम आए ब्रज में। पहले 11 बरस और ऊपर 52 दिन काल माया ब्रह्मांड में खेले मिल निज जन। सबसे पहले इस काल माया के ब्रह्मांड में हम ब्रज में आए, द्वापर युग के अंदर ब्रज मंडल में हम आए। वैसे तो ब्रज लीला का ही अगर हम वर्णन करने लग जाएंगे भागवत आधारित अथवा अन्य पुराणों के आधार पर तो बहुत लंबा समय व्यतीत हो सकता है, लेकिन चूंकि हम वर्षों से कृष्ण जी की त्रिधा लीला का वर्णन सुनते आ रहे हैं, कृष्ण जी की अनेकों लीलाओं का वर्णन सुनते आ रहे हैं, प्रतिवर्ष सुनते हैं टीवी में राधा कृष्ण के माध्यम से, कृष्ण लीला के माध्यम से, महाभारत अथवा विष्णु पुराण आदि अनेकों सीरियल के माध्यम से, अनेकों नाटकों के कथानकों के माध्यम से उन लीलाओं को हम देखते सुनते रहते हैं। इसीलिए त्रिधा लीला का वर्णन हम अधिक विस्तार में नहीं करेंगे। हाँ, संक्षेप में ये समझने के लिए कि त्रिधा लीला कौन कौन सी है हम उतनी ही चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ब्रज में ब्रह्म सृष्टियाँ आई और ब्रह्म सृष्टियों के साथ साथ में राज्य भी आए, और वास्तव में राज्य पहले आए क्योंकि वाणी का कथन है हमको खेल देखावन काज हमसो आगू आए श्रीराज। तो सबसे पहले राज्य आए और उनके पश्चात ब्रह्म सृष्टियां आई। और राज्य किस तन में आए? कृष्ण जी के तन में। उस तन का नाम कृष्ण है, वो भी उस तन के, उस बालक के जन्म लेने के 6 महीने के बाद गर्गाचार्य ऋषि के द्वारा रखा गया है। अब अनेक सुंदर साथ अथवा हमारे समाज में बहुत से विद्वान इस नाम के अथवा इस शब्द के चक्कर में पढ़ करके ये कहते हैं कि परम धाम में मूल मिलावा में वह जो स्वरूप है उस स्वरूप का नाम श्री कृष्ण है, लेकिन वास्तव में श्रीमुख वाणी में एक भी ऐसी चौपाई नहीं है जिसमें ये लिखा हो कि परम धाम में विराजमान जो मूल स्वरूप है उसका नाम श्री कृष्ण है। हाँ, श्याम शब्द से उस स्वरूप को संबोधित किया गया है, लेकिन श्याम शब्द का तात्पर्य कृष्ण नहीं होता है। तो परमधाम में जो विराजमान स्वरूप है जिसको हम राज्य कहते हैं, जिसको हम प्राणनाथ कहते हैं, श्याम कहते हैं, साहेब कहते हैं, तो राज्य का आवेश और उनका जोश, इन
दोनों शक्ति ने सबसे पहले कृष्ण जी के तन में 11 वर्ष और 52 दिन रह करके लीला की, लेकिन उससे भी पहले राज्य का जोश और आवेश उस तन में प्रवेश करने से पहले जिस समय उस बालक का जन्म हुआ, बालक के जन्म से ही पहले जब कंस के कारागार में वसुदेव और देवकी थे, क्योंकि इससे जो पहले की घटना है इस घटना को तो सभी जानते हैं, फिर भी मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं कि कंस जब अपनी बहन की शादी करा करके, विवाह करा करके लेकर जा रहा था और उसके प्रेम में, अपनी बहन के प्रेम में वो उस रथ को भी स्वयं चला रहा था, उस समय एक आकाशवाणी हुई, भविष्यवाणी हुई कि जिस बहन का रथ तू हांक रहा है, जिसकी शादी तू करा रहा है, उसी बहन का जो आठवां संतान होगा या आठवीं संतान होगी वह तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। तो उसने सोचा कि मैं अभी देवकी को मार देता हूँ, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो अपनी बहन को मारने के लिए वो उतावला हुआ। तो वसुदेव ने कहा कि नहीं, तुम अपनी बहन की हत्या का पापी क्यों बनना चाहते हो, इससे अच्छा जो आठवीं संतान होगी हमारी उसको हम तुम्हारे पास ला करके तुम्हें सौंप देंगे। तो वसुदेव, चूंकि उस समय के सत्यवादियों में से वसुदेव जी का नाम आता है, वाणी में भी वसुदेव जी का नाम आया है सत्यवादियों में, तो उनकी सत्यवादिता पर सबको विश्वास था। कंस ने कहा अच्छा ठीक है, उनको छोड़ दिया गया, उनको सिर्फ नजरबंद में रखा गया। पहले जब पहली संतान हुई तो उसको तो पहली संतान से कोई भय नहीं था, आठवीं संतान से भय था, लेकिन देवता चाहते थे कि कंस के पाप का घड़ा जल्दी से जल्दी भरे, तो इसलिए नारद जी कंस के पास जाते हैं भागवत के अनुसार, और कंस के पास जाकर के कहते हैं कि देखो देवता हमेशा राक्षसों से छल किया करते हैं, तो अब उनकी गिनती उल्टी है या सीधी है कोई पता नहीं, उल्टे से गिनना शुरू किया होगा तो जो पहली संतान है वो आठवीं कहलाएगी। तो इस तरह से कंस का कान भर करके नारद जी चले गए। अब कंस को क्योंकि मृत्यु से डर तो था ही उसको, तो उसने सोचा कि मैं सभी संतानों को मारूंगा, देवता चाहे कहीं कहीं से भी गिनना शुरू करें कोई मुझे मार नहीं पाएगा। तो उसने पहली संतान को मारा, तो ऐसा करते करते 6 संतानों को उसने मारा अपने अपने समय में। 7वीं जो संतान है, जो बाद में बलभद्र अथवा बलराम के रूप में जिन्होंने जन्म लिया रोहिणी के गर्भ से, तो उसको योगमाया ने देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में भेज दिया अपनी माया के द्वारा, और वो जो शरीर था जो शिशु का जो गर्भ में था वो मृतक पैदा हुआ। अब कंस घमंड में आया कि देखो मेरे डर से अब बच्चे जन्म लेने से भी डर रहे हैं, मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं। फिर कुछ समय बीता, अब ये जो आठवीं संतान है, आठवीं संतान से सबसे अधिक भय था कंस को, इसलिए उसने कारागार में जेल में पहरा और कड़ा कर दिया, सैनिकों को और सैनिकों को रख दिया, वसुदेव देवकी को बेड़ियों से जकड़ दिया। अब ये आठवीं संतान जन्म लेने से पहले विष्णु जी ने उनको दर्शन दिया, जिसको चतुर्भुज विष्णु स्वरूप कहते हैं, उन्होंने दर्शन दिया और दर्शन दे करके कहा कि तुमने पहले मेरी तपस्या की थी तुम दोनों ने पिछले जन्मों में, और मेरे जैसे संतान की इच्छा व्यक्त की थी, अब मेरे जैसा तो और कोई है नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारी संतान के रूप में जन्म ले रहा हूँ, और मैंने ही उस समय में तुम्हें ये वरदान दिया था कि जब ययाति कुल में यदुवंश में तुम आओगे तो समय में वसुदेव के यहाँ से, वसुदेव के पुत्र के रूप में, जिसको संस्कृत व्याकरण के हिसाब से वसुदेव के पुत्र को वासुदेव कहा जाता है, और उन्होंने कहा नामना कृष्णेति विश्रुता, मैं उस समय में कृष्ण के नाम से जन्म लूंगा। ययाति कुल जातस्य यदुराजस्य वेश्मनि वासुदेवो भविष्यामि नामना कृष्णेति विश्रुता। ये विष्णु भगवान का कथन है कि मैं ययाति के कुल में, यदु कुल में
वसुदेव के घर में, वसुदेव की संतान के रूप में, कृष्ण के रूप से, कृष्ण के नाम से जन्म लूंगा। अब सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को इस प्रमाण से ये समझना चाहिए कि कृष्ण के नाम से जन्म लेने वाला जो स्वरूप है वो विष्णु भगवान का है, क्योंकि विष्णु भगवान का ये कथन है जो श्लोक अभी हमने सुना। तो अब उस बालक का जन्म हुआ, जन्म लेने से पहले जिस स्वरूप ने दर्शन दिया था उसने दिशा निर्देश दिए थे वसुदेव जी को कि मेरे जन्म लेने के बाद में मुझे तुम नंद बाबा के घर में ब्रजमंडल में पहुंचा देना, और वहां जो एक कन्या बालिका ने जन्म लिया है उसको तुम लेकर के आ जाना। तो कृष्ण जी के अथवा विष्णु जी के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार अब जैसे ही उस बालक का जन्म हुआ, बेड़ियाँ अपने आप खुल गई, द्वारपाल गहरी नींद में सो रहे थे। अब उस बालक को, उस शिशु को लेकर के वसुदेव जी चलते हैं, और जब वसुदेव जी जेल से निकले, कारागार से निकले, तो रास्ते में उस बालक के अंदर योगमाया की शक्ति ने अथवा राज्य के जोश जबराइल ने प्रवेश किया, जिसको वाणी में कहा वसुदेव गोकुल ले चले ताय न कहिए अवतार, सो तो नहीं इन हद का अखंड लीला है पार। तो योगमाया की शक्ति ने अथवा जबराइल ने, राज्य के जोश ने उस तन में प्रवेश किया। जब वह बालक पहुंचा नंद बाबा के घर में, नंद बाबा के घर में पहुंचने के बाद वाणी का कथन है कि मूल सूरत अक्षर की जेह जिन चाहिया देखियो प्रेम स्नेह, सुसूरत धनी को ले आवेश नंद घर कियो प्रवेश। राज्य का आवेश और अक्षर की सूरता, जिसके विषय में अभी हमने कारण और महाकारण में सुना कि अक्षर को परमधाम की ब्रह्म सृष्टियों की लीला देखने की इच्छा हुई थी, तो उस सूरता ने तथा राज्य के आवेश ने नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। अब उस कृष्ण के तन में, उस शिशु के अंदर, उस बालक के अंदर राज्य का आवेश है, जोश भी है, जिब्रील जिसको कहा है, जबराइल कहा गया है, और अक्षर की सूरता भी है। तो यहां से नंद बाबा के घर से अब आगे अगले 11 वर्ष और 52 दिन तक जो लीला होती है वह अक्षरातीत की लीला है, जिसके विषय में हम सब जानते हैं कि किस तरह से उनका दर्शन करने के लिए शिव जी आते हैं, किस तरह से उनका दर्शन करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, कैसे वह जो एक बालक है इंद्र नामक देवता की, जिसको पौराणिक मान्यता के अनुसार जल का अथवा वर्षा का देवता कहते हैं, उनके घमंड को मात देते हैं, उनके घमंड को समाप्त करते हैं। तो ये सभी लीलाओं को हम 11 वर्ष 52 दिन की लीलाओं में हम प्रत्येक वर्ष सुनते आ रहे हैं। अब ब्रज लीला के बाद, 11 वर्ष और 52 दिन की ब्रज लीला के बाद रास लीला की एक भूमिका बनती है। सबसे पहले हम संक्षेप में समझते हैं कि जो त्रिधा लीला जिसको हम कहते हैं वो कौन कौन से हैं। तो 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला है वह अक्षरातीत की लीला है। उसके पश्चात होने वाली जो 11 दिन की लीला है वह जिसको हम बोलचाल की भाषा में गोलों की लीला कहते हैं, गोलों की शक्ति की लीला कहते हैं, अथवा योग माया की लीला है। और उसके बाद के जो 112 वर्ष लगभग होते हैं वह विष्णु भगवान के द्वारा की गई लीला है। तो ये तीन लीला अलग अलग रूप में है। अगर इन लीलाओं को के विषय में जिन सुंदर साथ को और गहराई से जानना है तो वाणी में हम प्रकाश वाणी पढ़ सकते हैं, अथवा महाभारत में 112 वर्ष की लीला का वर्णन है, श्रीमुख वाणी के अंदर कलश के तथा प्रकाश हिंदुस्तानी में 11 दिन की लीला का भी संक्षेप में वर्णन है, जिसका वर्णन श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ से प्रकाशित टीकाओं में भावार्थ के साथ में बहुत सरलतापूर्वक किया गया है, तो हम वहां से उसको जान सकते हैं। तो अब हम आते हैं मूल विषय पर कि 11 वर्ष 52 दिन की जो लीला हुई ब्रज की, उसके बाद रास की लीला होनी है। लेकिन रास की लीला होने से पहले एक बात, रास की लीला का वर्णन करने से पहले एक बात को हम स्पष्ट रूप से जानते हैं कि सबसे पहले ये जाने कि रास कहते किसे हैं। रस शब्द से रास शब्द बना है, और रस का तात्पर्य होता है आनंद, अर्थात आनंद की जो लीला है उसको रास कहा गया है। परब्रह्म
और ब्रह्म सृष्टियों के बीच में जो आनंद की लीला हुई, उस आनंद की लीला को रास कहा गया है। मैं ये बात पूरी ब्रजलीला का वर्णन करने से पहले इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वास्तव में अब तक हमने 11 वर्ष की लीला का ही वर्णन किया है। 52 दिन की जो विरह की लीला है उसके विषय में मैंने कहा नहीं, पहले मैंने सीधा रास का अर्थ इसलिए बताया क्योंकि रास का अर्थ तो हमने समझा कि परब्रह्म और ब्रह्म सृष्टियों के बीच की आनंद की लीला, लेकिन उस आनंद को प्राप्त करने के लिए एक कसौटी से होकर के गुजरना पड़ता है। तो 52 दिन की जो जुदागी की लीला है, 52 दिन के विरह की जो लीला है, वही ये कसौटी है जिस पर होकर के कोई रास का अधिकारी बन सकता है। अगर रास के आनंद को प्राप्त करना है तो पहले विरह में अपने आप को डुबो करके, अपने आप को विरह के द्वारा निर्मल करके ही हम उस आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। तो उस रास में पहुंचाने से पहले ब्रह्म सृष्टियों के, क्योंकि जीवों को भी तो वहां पर आनंद देना है, ब्रह्म सृष्टियां तो हमेशा से पात्र हैं, लेकिन परम धाम से बाहर जहां भी ब्रह्म सृष्टि लीला कर रही हैं तो किसी न किसी जीव के ऊपर बैठ करके लीला करती हैं। तो उस जीव को पात्र बनाना है तो उसे पात्र बनाने के लिए पहले 52 दिन की जुदागी दिखाई गई, और उस 52 दिन की जुदागी के बाद में कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई योग माया में जाकर के। आज तारतम ज्ञान की दृष्टि जिनके पास नहीं है उनसे अगर हम पूछते हैं कि रास की लीला कहां पर हुई थी तो वही कहेंगे कि इस वृंदावन में हुई थी जो मथुरा के पास है। तो उस वृंदावन का वर्णन करते कि वहां पर रास की लीला हुई थी, और ब्रह्मवाणी तथा वितक की महिमा ही इसमें है कि इनके द्वारा हमें धर्म ग्रंथों की जितनी भी अनसुलझे रहस्य है उन रहस्यों का पर्दाफाश होता है। अगर हम ये मानते हैं कि इस कालमाया के ब्रह्मांड में ये जो वृंदावन है जहां पर धर्म प्रेमी भक्तजन श्रद्धालु तीर्थ यात्रा के नाम पर जाते हैं, वास्तव में अखंड रास की लीला वहीं पर हुई थी, तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न होते हैं तारतम ज्ञान की दृष्टि में देखने पर, जिनका उत्तर बिना तारतम ज्ञान के भागवत का कितना भी बड़ा विद्वान हो, कितना भी बड़ा भागवतकार हो, चाहे उसने अपने जीवन में हजारों बार भागवत की कथा क्यों ना कर रखी हो, बिना तारतम ज्ञान के इसका उत्तर नहीं दे सकते। कैसे? जैसे मैं कुछ प्रश्न करता हूं, आप सब इन प्रश्नों पर स्वयं भी विचार कर सकते हैं, और कभी भी अवसर मिले तो आप उन विद्वानों से पूछ सकते हैं, तो इससे आपको ब्रह्मवाणी की और वित्तक की महिमा का पता स्वतः चल जाएगा कि अगर इसी ब्रह्मांड में रास की लीला हुई है तो फिर इस रास की लीला को अखंड कैसे कहा जा सकता है। अगर यहां की रासलीला अखंड है तो अभी क्यों नहीं हो रही है। दूसरा, भागवत के दशम स्कंद में रास की लीला का और रास के स्थान का वर्णन करते हुए कहा गया है कि दृष्टवा कुमुदवंतम अखंड मंडलम रमाननाभम नव कुमकुम अरुणम वनम च तत्को मलगोभिरंजितम जगौ कलम वाम दृशाम मनोहरम। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तु मनः चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। भगवान जी ने योग माया का आश्रय लिया। तो वो योग माया क्या है? उसी भागवत में हम सुनते हैं कि महाप्रलय के अंदर तो 14 लोक के ब्रह्मांड का, 14 लोक से युक्त इस ब्रह्मांड का नाश हो जाता है, लय हो जाता है। तो इस ब्रह्मांड में अखंड रास कैसे हो सकती है? तो इन तथ्यों और प्रमाणों से ये स्पष्ट है कि रास की लीला यहाँ पर नहीं हुई है। भागवत के इस श्लोक का वर्णन अथवा श्लोक का गायन तो प्रत्येक भागवतकार अपनी कथा में किया करते हैं, लेकिन इसका अर्थ बिना तारतम ज्ञान के कोई भी स्पष्ट नहीं कर पाता है कि वास्तव में वो योग माया कहाँ पर है जहाँ पर रास की लीला हुई थी। तो वो योग माया इस कालमाया के ब्रह्मांड से परे है।
अक्षर ब्रह्म की लीला का वह स्थान है जहाँ पर हम पहुँचे और रास की लीला हुई, जिसके विषय में महामंत्री श्री लालदास जी कहते हैं कि ता पीछे आए रास में इंड जोगमाया जागृत, जहाँ विरह विलास दो देख के फिर इत। ब्रज लीला के पश्चात ब्रह्म सृष्टियाँ रास में पहुँचे। सबसे पहले राज्य पहुँचे, वहां जाकर के उन्होंने बांसुरी बजाई, एक नया ही अलग ही तन उन्होंने धारण किया है। परम धाम का भी तन नहीं है और कालमाया का भी तन नहीं है, वहां जाकर के एक अलग स्वरूप धारण किया है। किशोर स्वरूप है लेकिन शोभा अलग है। वहां जाकर के उन्होंने बांसुरी बजाई। अब बांसुरी को जिन भी ब्रह्म सृष्टियों ने सुना, क्योंकि 52 दिन की जुदाई थी, 52 दिन से विरह में वो तड़प रहे थे, सोच रहे थे कि कैसे हम जाएं। जैसे इसको ऐसे समझें कि पृथ्वी के गर्भ में, जिसको हम भूगर्भ कहते हैं, अंदर आग है, लावा है, धधक रहा है और एक दबाव बन रहा है, प्रेशर बन रहा है। बाहर निकलना चाहती है वो ज्वाला, लेकिन कहीं से स्थान नहीं मिल रहा है। अगर कहीं पर बिल्कुल छोटी सी भी जगह मिल जाती है, कोई कमजोर स्थान, तो वहां से वो फूट करके, ज्वालामुखी के रूप में फूट करके बाहर निकलती है। वैसे ही ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में 52 दिन से विरह की जो अग्नि धधक रही थी, अब जैसे ही कृष्ण जी ने इशारा किया बांसुरी के माध्यम से, तो ब्रह्म सृष्टियां उस योगमाया में जाने के लिए तैयार हुए। और सबसे पहले तामसी सखी पहुंची, उसके बाद राजसी और उसके बाद स्वातसी। अब स्वातसी, राजसी और तामसी, जैसे हम शब्द सुनते हैं तो प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक है कि ब्रह्म सृष्टियों को तो हम त्रिगुणातीत कहते हैं, फिर तीनों गुणों के अंदर हम क्यों बांध रहे हैं। तो ब्रह्म सृष्टियों को तीन गुणों में नहीं बांधा गया है। उस समय में ब्रज से रास में जाते समय जिन सखियों ने जैसा लक्षण दिखाया, उस लक्षण के आधार पर तीनों गुण निर्धारित किए गए हैं। तीनों गुणों के आधार पर उनको नहीं बांधा गया है। जैसे इस संसार में अगर हम देखें, कोई अगर तामसी व्यक्ति है तो उसकी रहनी कैसी होती है कि एक तामसी व्यक्ति किसी कार्य को अगर करना चाहता है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। चाहे अगर वो किसी को पसंद करता है, भले ही कोई तमोगुणी व्यक्ति है, उसको अगर कोई वस्तु अथवा कोई व्यक्ति पसंद आ जाता है तो उसके लिए वो जान देने के लिए भी तैयार होता है। वो आगे पीछे नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा। उसी तरह से ब्रह्म सृष्टियों ने जैसे तमोगुणी व्यक्ति की बुद्धि कार्य नहीं करती है, वैसे ही बांसुरी का धुन सुनकर, बंसी की धुन सुनकर, बिना कुछ सोचे समझे जिन ब्रह्म सृष्टियों ने अपना शरीर छोड़ दिया, उनको तामसी सखी कहा गया उस गुण के आधार पर। राजसी व्यक्ति का स्वभाव क्या है, उसमें थोड़ी सी चंचलता होती है और सजना संवरना, सजने धजने की प्रवृत्ति होती है। उसी तरह से राज्य के द्वारा बजाई गई बंसी की धुन सुनकर के अब गोपियों ने, जिन सखियों ने ये सोचा कि इतने दिनों के बाद में प्रीतम से मिलने जा रहे हैं हम सब, तो हम कुछ अच्छा दिखें, तो सजने संवरने लग गए। लेकिन विरह की अग्नि इतनी अधिक जल रही है कि सजने संवरने में ध्यान बिल्कुल कम है। 99% सूरता उनकी उस बांसुरी की तरफ है और उस 1% जो बुद्धि है वो यहाँ पर कार्य कर रही है, जिसके कारण उल्टा सीधा श्रृंगार किया, कान में पहनने वाले जो आभूषण है उसको पैर में घुसा रहे हैं, एक आंख में काजल लगा है तो दूसरे में नहीं लगा है, वस्त्र भी उल्टे सीधे पहन करके एक पाँव में पायल पहना दूसरे पाँव में नहीं, इस तरह से आधा अधूरा उल्टा सीधा श्रृंगार किया। और श्रृंगार करते करते विरह की अग्नि इतनी जल रही है कि उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। तो इसलिए इस गुण के आधार पर उनको राजसी सखी कहा गया। अब सतोगुणी व्यक्ति का अगर स्वभाव देखते हैं इस संसार में, सतोगुणी व्यक्ति शांत प्रवृत्ति का होता है। कोई भी निर्णय लेने से पहले वो सोच विचार करता है कि इस निर्णय से मुझ पर अथवा मेरे भविष्य पर, मेरे परिवार पर क्या असर पड़ सकता है।
तो बिल्कुल शांति से वह निर्णय लेता है। वैसे बांसुरी की धुन सुन करके अब जाने की इच्छा तो है, विरह उनके अंदर भी है, लेकिन जिन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अगर हम जाएं तो हमारे सास ससुर क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, जिन्होंने सास ससुर को, पत्नी को देखा, संसार को, समाज को, बच्चों को देखा और विचार करने लग गए, तो उन्हें सात सी सखे कहा गया, क्योंकि उन्होंने शुरुआत में शांति दिखाई लेकिन विरह की अग्नि इतनी जल रही थी कि वो भी दौड़ने लग गए और दौड़ते दौड़ते उन्होंने शरीर छोड़ा और शरीर छोड़ करके वह भी योग माया की भूमिका में जाकर के मिले। अब जब सभी ब्रह्म सृष्टियां वहां पर पहुंची तो वहां पहुंचने के बाद राज्य ने सबसे पहले तो उनको उल्हाना दिया, जिसको हम रास ग्रंथ में उथले वचन के रूप में पढ़ा करते हैं अथवा सुना करते हैं। उथले वचन का मतलब व्यंग्य करना, ताना देना, क्योंकि ब्रजमंडल में जो 52 दिन की जुदागी हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि ब्रह्म सृष्टि ने राज्य को पर पुरुष कहा था कि आप पर पुरुष हो, निर्लज हो, बेशरम हो, आपको तो कोई शर्म है नहीं, लेकिन हमारे तो सास ससुर हैं, घर वाले हैं, हमें देखना पड़ता है। गलियन में दुर्जन देखे तो में नहीं विचार, तो कामी निर्लज कछु न देखहीं, पर सासुड़ी दिए में मुहेगार। तो इस तरह से जो उन्होंने ब्रह्म सृष्टियों ने, हम सभी ने जो कृष्ण जी को ताना दिया था, अब वापस उन्होंने लौटाया। वो कहते हैं कि मैं तो पर पुरुष हूं और तुम पतिव्रता स्त्री हो। पतिव्रता स्त्री के लक्षण क्या होते हैं कि पति अगर कोई काला कलूटा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, अपांग हो, अंधा हो, चाहे कोढ़ी हो, चाहे क्रोधी हो, बात बात पर गाली देने वाला हो, डांटने वाला हो, लेकिन फिर भी पतिव्रता स्त्री को पति छोड़ करके पर पुरुष के साथ में नहीं जाना चाहिए। अब ब्रह्म सृष्टि ने क्या कहा कि अवगुण पति न मोकिए तो गुणी मुखिए केम। आपने सही कहा, आपकी बात 100% सच्ची है, लेकिन जैसे आपने कहा कि पति के अंदर इतने अवगुण हो फिर भी हमें छोड़ना नहीं चाहिए, तो गुणी पति को कैसे छोड़ सकते हैं? वो तो हमारे संसार के पति थे जिनको हम छोड़ करके आए, और आप तो हमारी आत्मा के प्रियतम हैं, आत्मा के पति हैं, आपको हम कैसे छोड़ सकते हैं? अब राज्य जो परीक्षा लेना चाह रहे थे ब्रह्म सृष्टियों की, वो परीक्षा पूरी हुई। अब इस रास की भूमिका में मैंने एक बात आपको कही थी कि उस रास में पहुंचने से पहले विरह की अग्नि में जलाया गया है, और कल की चर्चा में ही हमने ये सुना था कि बीतक की लीला को हम केवल घटनाक्रम मान करके ना चलें, बीतक की लीला को हमें अपने जीवन में उतारने के हिसाब से चलें। तो इस प्रसंग से हमें यह सिखापन मिलती है कि अगर हमें राज्य की आनंद की लीला को प्राप्त करना है अथवा उनके आनंद में डूबना है तो सबसे पहले हमें विरह की अग्नि में अपने आप को जलाना आवश्यक है। विरह की उत्पत्ति तब होती है जब हमें किसी के साथ में प्रेम हो और उससे जुदागी का अनुभव हो। आज जागनी के इस ब्रह्मांड में हमारे अंदर विरह इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि जिस तरह से विरह शब्द का अर्थ होता है जिसके बिना रहा न जाए, आज हमारे अंदर ऐसी अवस्था नहीं आई है अभी कि राज्य के बिना रहा न जाए। जैसे मछली को पानी से बाहर निकालने के बाद में उसको पानी के बिना रहा नहीं जाता है, हमने तो बहुत सारे विकल्प ढूंढ लिए हैं। हम पानी से हमें बाहर निकाल दिया गया है तो हमें शरबत मिल रहा है, हमें दूध मिल रही है, हमें जूस मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के रस मिल रहे हैं, तो हमने अलग अलग रसों में ही अपने प्राण को अथवा अपने जीवन को मान लिया है, तो हमें पानी की कमी क्यों महसूस होगी? उसी तरह से राज्य से अलग होने के बावजूद भी माया में हम सुख को खोज रहे हैं और माया में ही हम अपने आनंद को, अखंड और अनंत आनंद को मान रहे हैं, इसलिए हमें वह विरह नहीं आ रहा है और उसी वजह से हम रास के आनंद को इस ब्रह्मांड में ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं।
वैसे कहने के लिए तो हम सेवा पूजा में जागनी रास की बात करते हैं कि श्री ठकुराने जी साथ सकल मिल जागनी रास खिलाए, लेकिन वह तब तक संभव नहीं है जब तक हम विरह में अपने आप को ना तपाएं। ये सिखापन ब्रज के उस 52 दिन की जुदागी से हमें मिलती है। अब रास में पहुँचे, रास में पहुँच करके उथले वचन हुए, उसके बाद उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाने के बाद ही ब्रह्म सृष्टियों के साथ में राज जी ने प्रेम और आनंद की लीला की। उस प्रेम और आनंद की लीला को करते करते अब चूंकि अक्षर ब्रह्म ने भी तो मांगा था कि हमें ब्रह्म सृष्टियों के साथ कैसी लीला होती है, उस लीला की पहचान करानी है, सिर्फ लीला नहीं करानी है। जैसे परमधाम में आनंद की लीला तो अनादिकाल से होती आ रही थी, लेकिन इस ब्रह्मांड में आने का कारण यह है कि लीला नहीं करनी, लीला की पहचान करानी है। तो पहचान कब होती है? कोई व्यक्ति सागर की पहचान सागर में डूबते हुए नहीं कर सकता है, उसको सागर से अलग होकर के एक बार देखना पड़ता है कि हाँ ये सागर है। जो व्यक्ति सागर में ही पैदा हुआ है उसको सागर की महिमा का पता नहीं हो सकता है। उसी तरह से अब अक्षर ब्रह्म आनंद में डूबे हुए तो है लेकिन पहचान करानी है, इसलिए राज जी ने जब देखा कि ये दोनों अर्थात सत अंग और आनंद अंग तो यहीं पर मग्न होकर के खेल रहे हैं, इनको अब वास्तविकता की पहचान करानी है। ब्रह्म सृष्टियों को इस बात की पहचान करानी है कि तुम परमधाम में नहीं हो, ये परमधाम नहीं है, ये तुम्हारा अनादि घर नहीं है। और अक्षर ब्रह्म को ये पहचान करानी है कि मैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ में ऐसे लीला करता हूँ। तो इसलिए राज जी ने अपने आवेश को खींच लिया। अब जैसे ही राज जी ने अपने आवेश को खींच लिया तो अक्षर ब्रह्म चौंक जाते हैं। अक्षर ब्रह्म इस तरह से चौंक गए, उन्होंने देखा कि कौन वन कौन सखियां कौन हम, यो चौंक के फिरी आतम। उन्होंने देखा कि ये वन कौन सा है, ये सखियां कौन सी है, मैं कौन सा हूं, क्योंकि परमधाम में अक्षर ब्रह्म का जो मूल तन है उसकी शोभा उसके श्रृंगार में तथा राज्य की शोभा श्रृंगार में कोई फर्क नहीं है, लेकिन रास में जो राज्य का श्रृंगार है वो अलग है। रास में राज्य की चोटी गुथी हुई है, उन्होंने सूथनी पहन रखी है, तो दोनों का श्रृंगार अलग अलग है। अब अपने उस रास के स्वरूप को देखा और मूल स्वरूप को जब याद किया अपने मूल तन को, तो उन्हें पता चला कि मैं तो किसी अन्य स्थान पे हूँ। और उन्होंने सखियों को भी देखा, उनको सखियों की पहचान हुई कि ये सखियाँ हैं, अच्छा ये सखियाँ हैं जिनके साथ में राज जी अनादिकाल से लीला करते हैं। और उधर ब्रह्म सृष्टियों ने देखा कि राज जी तो है नहीं, राज्य को वो खोजने लग गई कि कहाँ पर गए। उन्होंने वहां पर भी विरह किया, अलग अलग जगहों पर जाकर के खोज किए, केवल संक्षेप में हम उसका वर्णन कर रहे हैं। और अंत में उन्होंने सोचा कि कृष्ण जी को ब्रज की लीला अत्यंत प्रिय थी, तो हो सकता है कि ब्रज लीला को अगर हम दोहराएं तो कृष्ण जी प्रसन्न होकर के हमारे सामने प्रकट हो जाएं। तो उन्होंने ब्रज की लीला का नकल करना शुरू किया, और नकल करने के क्रम में इंद्रावती जी कृष्ण जी बनी, एक रेखा बना दी गई और एक उस रेखा के एक पार योगमाया दूसरी पार कालमाया घोषित किया गया। और कालमाया के ब्रह्मांड में अब कोई सखी नंद बाबा बनी है, कोई सखी यशोदा बनी है, कोई कंस बनता है, कोई अघासुर बकासुर पूतना, ऐसे अनेकों रूप धारण करते, अनेक प्रकार की का नाटक करते हैं। और लीला करते करते ब्रज की सारी लीला को दोहरा लिया। और रास की लीला को दोहराने से पहले, क्योंकि बांसुरी बजानी है ना, अब इंद्रावती जी कृष्ण बनी है तो उन्होंने हृदय से ये पुकार किया कि धामधनी मेरे प्रियतम मेरी लाज रखना। और जैसे ही आंख बंद करके बांसुरी बजाना शुरू किया, श्री राज जी अब प्रकट हो गए। और राज्य के प्रकट होने के बाद जैसा कि प्रकट वाणी में कहा, आया स्वरूप कर नए श्रृंगार भजनानंद सुख लिए अपार। वैसे तो नया श्रृंगार कोई नहीं था, लेकिन नया का मतलब यह है कि जिसके साथ हम प्रेम की लीला करते आ रहे हैं अनादिकाल से, तो उसमें कोई नवीनता नहीं लगती है। लेकिन कुछ पल की जुदागी के बाद अगर वही व्यक्ति भी मिल जाता है तो उसमें एक नवीनता हमें झलकती है। उसी तरह से राजी ने कोई अलग से श्रृंगार नहीं किया था, लेकिन उस विरह के बाद जब प्रेम की लीला हुई तो उसमें नवीनता का आभास हुआ ब्रह्म सृष्टियों को, इसलिए उस तन को नया श्रृंगार कहा गया। तो
तो उसके साथ पुनः आनंद की लीला हुई। हाँ, उस आनंद की लीला को रास ग्रंथ के अंदर अनेकों रूपों में वर्णन किया गया है, अनेक रामतों के रूप में वर्णन किया गया है, जिससे सुंदर साथ भ्रमित होता है। भ्रमित इस तरह से होता है कि सुंदर साथ, सभी सुंदर साथ सोचते हैं कि रास का तात्पर्य ही यही होगा, जैसे वर्णन आता है, करे रमिए कोणिए रमिए, वो हाथ से कोहनिए से खेलने का, कोई आम का पेड़ बनता है, कोई जड़ बनती है, कोई आम के पेड़ को पकड़ करके घूमते हैं, तो सुंदर साथ सोचते हैं कि रास का तात्पर्य ही ये होगा, उस लीला को दोहराना ही रास समझते हैं। और पन्ना जी में सुंदर साथ उपस्थित होते हैं, चाहे वो जन्माष्टमी के अवसर पर हो, चाहे शरद पूर्णिमा के अवसर पर, रास की लीला को दोहराने के नाम पर डांडिया खेला जाता है और सोचते हैं कि यही वास्तव में रास होगी। ये रास नहीं है, रास का तात्पर्य है आनंद। हाँ, उस आनंद को प्रकट करने के लिए अनेक लीलाएं हुई, जिनमें से कुछ लीलाओं का वर्णन इन रूपों में किया गया है। इस जागनी के ब्रह्मांड में भी अगर हम ये सोचते हैं कि डांडिया खेलना और उन लीलाओं को दोहराना ही रास है, वास्तव में वो रास नहीं है। इस जागनी के ब्रह्मांड में वाणी के द्वारा राज्य के स्वरूप की पहचान करके चितवनी में उस स्वरूप को अपने हृदय में बसा करके उस आनंद का अनुभव करना ही वास्तव में जागनी रास है। तो अब रास की लीला समाप्त हुई। रासलीला समाप्त होने के बाद में सभी सखियों ने यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के पश्चात अब वस्त्र इत्यादि बदले, वहाँ पर भोजन की लीला हुई। पहले सखियों ने, कुछ सखियों ने कृष्ण जी को भोजन कराया, उसके बाद में कृष्ण जी ने सभी सखियों को भोजन कराया। अब कृष्ण जी ने पूछा कि सखियों, तुम्हें वृंदावन कैसा लगा? तो सखियों ने कहा कि वृंदावन तो हमें शमशान घाट की तरह लगा। शमशान घाट की तरह क्यों? तो उन्होंने कहा कि वह इसलिए क्योंकि यहां पर हमें आपसे विरह अथवा जुदागी सहन करनी पड़ी। इसका तात्पर्य यह है, प्रत्येक घटना से हम सबको सिखापन लेने चाहिए कि एक प्रियतमा को प्रियतम से जहां एक पल के लिए भी जुदागी हो, विरह हो, तो वह जो एक पल की जुदागी का जो अवसर है, हमें मृत्यु के तुल्य लगता है। जैसा कि ब्रह्म सृष्टि ने कहा, श्मशान घाट की तरह लगा। तो राज्य ने कहा कि अब क्या करना है? तो सखियों ने कहा, हवे वाला हूं एटलो मागू, खिण एक अलग न थइए, जिहां अमने विरह नहीं, चालू ते घर जाइए। अब हमें ऐसे जगह पर ले चलिए जहाँ पर किसी भी तरह का विरह ना हो। तो वह स्थान तो एकमात्र परमधाम है। अब सभी सखियाँ परमधाम में गए। परमधाम में जाने के बाद अब फिर से सोच रहे कि राज जी ने तो कहा था दुख का खेल दिखाना है, लेकिन दुख तो हमने देखा ही नहीं, क्योंकि दुख के खेल का वर्णन करते हुए पहले क्या कहा था कि वहां पर तुम्हें जन्म देखना पड़ेगा, मृत्यु देखनी पड़ेगी, जुदागी देखनी पड़ेगी, विरह देखना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं विशेष रूप से। ब्रज में 52 दिन की जुदागी थी जो कि देखते ही देखते गुजर गई। भले ही बातचीत नहीं थी, लेकिन कृष्ण जी से अलग तो हुए नहीं थे। रास में एक पल की जुदागी हुई थी, लेकिन ब्रह्म सृष्टियों से तो जुदागी नहीं हुई थी, न मृत्यु को देखा था। इसलिए उन्होंने सोचा, सखियों ने, कि राजी हमें वो खेल दिखाइए जिसके विषय में आप कह रहे थे कि वहां पर मृत्यु होती है, वहां पर जुदागी होती है, क्योंकि हमने जुदागी नहीं देखी, जिसका वर्णन प्रकाश के अंदर, प्रकाश ग्रंथ के पहले प्रकरण में आता है कि कछु इनविध कियो रास, खेल फिरे घर, खेल देखन के कारणे आइया उमेदा कर, उमेदा न हुईया पूर्ण, धाक मन में रही, तब धनी जिए अंतर्गत हुक्म कियो से। तो राजी ने अब फिर से हुक्म दिया कि अक्षर ब्रह्म को कि अब की बार ऐसा ब्रह्मांड बनाना जहां वास्तव में जैसा ब्रह्म सृष्टियां चाहती हैं, वैसा दुख का, जुदागी का, विरह का, जन्म और मृत्यु को देखने वाला खेल हो। तो अब विशेष आदेश पर यह कालमाया का ब्रह्मांड बना, और इस कालमाया के ब्रह्मांड में हम ब्रह्म सृष्टियां आए। लेकिन हम ब्रह्म सृष्टियों के यहाँ आने से पहले भी कुछ लीला हुई, जिसका वर्णन महामति श्री लालदास जी कह रहे हैं
कि ब्रज रास दो अखंड कर चेतन बुद्धि फिरेमन, ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन। ब्रज लीला होने के बाद ब्रज लीला को भी अखंड कर दिया गया, रास लीला को भी अखंड कर दिया गया। ब्रज की लीला अखंड हुई योग माया में सबलिक के कारण में, रास की लीला अखंड हुई सबलिक के महाकारण में। रास लीला के होने के पश्चात, केवल ब्रह्म में रासलीला करने के पश्चात सबलिक में जिसे अखंड किया गया उसे ही प्रगट वाणी में कहा गया पीछे योग माया को भयो पतन। कुछ सुंदर साथ या अधिकांश सुंदर साथ इसका अर्थ इस तरह से करते हैं कि रासलीला होने के बाद योग माया का लय हो गया। बड़े बड़े भागवतकार भी यही अर्थ किया करते हैं, जबकि योग माया ही अगर लय हो तो फिर रास कहां पर अखंड हो। यहां पतन होने का तात्पर्य ये है, जिसने सामान्य संस्कृत भी पढ़ा होगा तो संस्कृत में छठी क्लास में छठी कक्षा में भी पतति पततः पतंती ये पढ़ाया जाता है। पत का अर्थ होता है गिरना, ऊपर से नीचे आना। तो जब हम विराट का नक्शा देखते हैं तो उसमें अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप इस तरह से क्रमशः आते हैं। तो सबलिक से ऊपर केवल ब्रह्म में रास की लीला हुई थी, जो सबलिक में अखंड हुई उसको कहा गया कि पतन होना, अर्थात ऊपर से नीचे अखंड किया गया। तो इस तरह से रासलीला अखंड हुई। रासलीला के अखंड होने के बाद अब जिस राज्य के जोश ने रासलीला में भाग लिया था, वह जोश, मैं आवेश की बात नहीं कर रहा हूं, वह जोश और वह सुरता अक्षर ब्रह्म की, वो आए ए ब्रह्मांड तीसरा जहां मोहम्मद आए रोशन, मोहम्मद साहब के रूप में आए। जिस तन में अक्षर की सुरता और उस जोश ने, जबराइल ने लीला किया था, उस तन का नाम था मुस्तफा, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम था अमीना। 40 वर्ष की उम्र में उसे राज्य का दर्शन होता है, अल्लाह ताला का दीदार होता है। और दर्शन की रात्रि, जिसको कल हमने सुना था सबे मेयराज, तो दर्शन की रात्रि में उनसे 90,000 हरूफों में बातें होती है। 90,000 हरूफों में जो बातें हुई, तो उन्हें एक आदेश हुआ अक्षय ब्रह्म को अथवा मोहम्मद साहब को कि उसमें से जो 30,000 हरफ हैं वह है शरीयत के, जिसको शरीयत का तात्पर्य है कर्मकांड, या शरीयत का मतलब होता है कि दैनिक जीवन में मनुष्य को उठना बैठना कैसे है, खाना पीना कैसे है, प्रार्थना कैसे करनी है, इन सब बातों को जिसमें सिखाया जाता है उसको शरीयत अथवा कर्मकांड कहा जाता है। तो 30,000 जो हरफ थे, ये जो सामान्य नियम है वो सबके लिए है, तो प्रत्येक मनुष्य के लिए ये तुम दे देना सबको। 30,000 जो हरफ हैं वो तरीकत अथवा उपासना के हैं, वो भक्ति के हैं। तो इसका जो तुम्हें पात्र दिखे तो उन पात्रों को ये ज्ञान दे देना, तरीकत का ज्ञान दे देना, लेकिन बाकी जो 30,000 हरफ हैं वो हकीकत और मारिफत के, ज्ञान और विज्ञान के हैं। वह ज्ञान जब मैं आऊंगा, कुरान के हिसाब से अगर हम देखें तो फरदा रोज अथवा कल के दिन को जब मैं आऊंगा, कयामत के दिन में जब मैं आऊंगा, तो उस हकीकत और मारिफत के ज्ञान को मैं जाहिर करूंगा। तो इस आदेश का पालन करते हुए मोहम्मद साहब ने 60,000 हरफ में कुरान का ज्ञान दिया। अब आज पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीने से जितने भी सोशल मीडिया हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, फेसबुक इत्यादि, उसमें एक भ्रांति चल रही है निजानंद दर्शन के विषय में अथवा निजानंद संप्रदाय के विषय में, कि निजानंद संप्रदाय में कतेब परंपरा के विषय में बहुत अधिक बातें की जाती है, ये मुसलमानों का धर्म है। वाणी में 6,000 से अधिक चौपाइयां कतेब पक्ष से संबंधित है, जिसमें अरबी, उर्दू और फारसी के शब्दों का प्रयोग किया गया है, मोहम्मद को बड़ा बताया गया है, और हिंदू धर्म की निंदा की गई है, मुसलमानों की प्रशंसा की गई है। ये गुप्त रूप से वैसे मुसलमान है लेकिन हिंदू नाम लेकर के अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, ऐसा एक भ्रामक प्रचार
कुछ लोगों के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रसंग के माध्यम से मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ। आज इस विषय को हम संक्षेप में कहेंगे वितक चर्चा के माध्यम से, लेकिन एक अलग से इस विषय पे चर्चा होगी, फिर भी संक्षेप में मैं वर्णन करता हूँ इस विषय में। वाणी में सनंद, खुलासा, मारिफत सागर और कयामतनामा, विशेष रूप से इन ग्रंथों में केवल कतेव पक्ष की बात की गई है। लेकिन कतेव पक्ष की बात की गई है, इसका यह तात्पर्य नहीं हो जाता कि निजानंद संप्रदाय इस्लाम मत का अथवा वर्तमान में जो मुसलमान है उनका ही एक धर्म है। इसको कैसे हम देख सकते हैं कि आज ईसाई मतावलंबी जितने क्रिश्चियन है उन्होंने अपने बाइबल का संस्कृत भाषा में अनुवाद किया है उन्होंने। इस्लाम मत के अनुयायियों ने, मुसलमानों ने अल्लोपनिषद नाम से एक रचना की है जिसमें अल्लाह शब्द का बार बार प्रयोग किया गया और अपने धर्म का वो प्रचार कर रहे हैं। अब संस्कृत में अगर कोई व्यक्ति कुरान को लिख दे अथवा बाइबल को लिख दे तो क्या वह हिंदू हो सकता है केवल संस्कृत में लिखने से? नहीं हो सकता। तो इसका सीधा तात्पर्य यह हुआ कि धर्म का संबंध भाषा से कहीं भी नहीं है। हाँ, भारतवर्ष की जो प्राचीन भाषा है अथवा भारतवर्ष के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, हिंदू धर्म ग्रंथ, वे सभी संस्कृत भाषा में हैं। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हिंदू धर्म को संस्कृत भाषा में ही होना चाहिए, जबकि भाषा धर्म का परिचायक कभी भी नहीं हो सकता। भाषा का तात्पर्य यह है कि जो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का साधन हो, अपनी भावना को प्रकट करने का एक शब्द जो है, शाब्दिक साधन, मौखिक साधन भाषा कहलाती है। अब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जगत के गुह्य रहस्य को अंग्रेजी में कहता है तो वो ईसाई अथवा क्रिश्चियन नहीं हो जाता। कोई व्यक्ति वेदों के ज्ञान को अरबी, उर्दू अथवा फारसी में कहता है, हिब्रू में कहता है, तो वो यहूदी अथवा मुसलमान नहीं हो जाता है। अब प्रश्न यह होता है कि फिर वाणी में इन ग्रंथों का वर्णन करने का क्या मतलब है? तो इसका सीधा अर्थ यह है, इसका उत्तर समाधान यह है कि जिस अवस्था में वाणी अवतरित हुई, और अवस्था भी ना देखें, परिस्थिति ना देखें, तो सबसे पहली बात तो यह है कि परमात्मा किसी भाषा के बंधन में नहीं है, परमात्मा किसी संप्रदाय के बंधन में नहीं है। वेद के किसी मंत्र में, पुराण के किसी श्लोक में अथवा किसी भी धर्म ग्रंथ के सूत्रों में ये नहीं कहा है कि परमात्मा केवल हिंदुओं का है। जब हम अपने आप को हिंदू कहते हैं तो हमें ये भी मानना चाहिए, ये भी समझना चाहिए कि हम एक तरफ कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है। जब संपूर्ण पृथ्वी ही हमारा परिवार है तो फिर ये जो संप्रदाय है वो तो बाद में आए हैं। धर्म अनादि है, परब्रह्म अनादि है, संप्रदाय बाद में आए हैं। भाषाएं लोगों के द्वारा बनाई गई है। अब परिस्थिति की बात करते हैं तो जिस परिस्थिति में वाणी का अवतरण हुआ उस अवस्था में, कल हमने सुना कि इस पृथ्वी पर, इस धरती पर, भारतवर्ष में मुसलमानों का साम्राज्य था, और मुसलमान उस समय के जो कट्टर मुसलमान थे, आज भी उनकी कमी नहीं है, उस समय के जो कट्टर मुसलमान थे वह ये मानते थे कि हिंदुओं का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करना है और नाम का उनको मुसलमान बनाना है। वैसे इस्लाम का शाब्दिक अर्थ होता है शांति का मार्ग, लेकिन सबसे अधिक अशांति उन्होंने मचा रखी थी। तो उनको ये समझाने के लिए कि वास्तव में परमात्मा अथवा अल्लाह तुम्हारे इस कृत्य से बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं है, ये समझाने के लिए, और परमात्मा कभी भी जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा था, ये समझाने के लिए।
अक्षरातीत परब्रह्म इस संसार में आ चुके हैं यह बात समझाने के लिए उनकी बात को उन्हीं की भाषा में समझाना आवश्यक था, क्योंकि कट्टर मुसलमान चाहे उस समय के हो चाहे आज के संस्कृत निष्ठ अथवा तत्सम शब्दों को सुनना नहीं चाहते। तो उनको समझाने के लिए ब्रह्मवाणी के ये जो ग्रंथ हैं सनंध, खुलासा, मारिफत और कयामतनामा, ये ग्रंथ उस समय के तद्भव हिंदी में अवतरित हुए। तद्भव हिंदी का मतलब बोलचाल की भाषा का अधिक प्रयोग हुआ, और उस समय में मुगल काल में अरबी, फारसी और उर्दू का अधिक प्रयोग किया जाता था। तो उनको समझाने के लिए, उन मुसलमानों को समझाने के लिए अरबी, उर्दू और फारसी का अधिक प्रयोग किया गया। वाणी का कथन है कि भेष भाषा जिन रच्यो, रच्यो मायने असल, भई रोशन ज्योत रसूल की अब खुले मायने सकल। भेषभूषा और भाषा के बंधन में परमात्मा नहीं है। कोई मुसलमान अगर संस्कृत का विद्वान बन जाए और संस्कृत में कुरान के आयतों को अनुवादित करके प्रचार करने लग जाए तो क्या आप उसे हिंदू मान लेंगे? आप नहीं मान सकते इस बात को। तो आपने कभी वाणी को पढ़ करके नहीं देखा कि उसमें क्या बात कही गई है और आपने निंदा करना शुरू किया, ये तो वैसे ही बात हो गई। चाणक्य का कथन है कि न वित्ति यो यस्य गुणः प्रकर्षम सतस्य निंदा सततम करोति। जिसके गुण के विषय में कोई व्यक्ति जानता ही नहीं तो वो क्या करता है, निंदा करने लग जाता है। तो आपने भी ये रास्ता अपनाया, आपने वाणी की चौपाई को देखा ही नहीं कि वाणी में लिखा क्या है। एक दो चौपाइयों का शाब्दिक अर्थ लेकर के आप ये कहने लग जाते हैं कि वाणी में तो ऐसा लिखा गया है, कुलजम स्वरूप में ऐसा लिखा गया है, तथा कथित प्रणामी और निजानंदी ये वास्तव में मुसलमान है। ये आपकी अल्पज्ञता का परिचायक है। जो वाणी स्पष्ट रूप से ये कहती है कि वेद आया देवन पे, असुरन पे कुरान। कुरान किसके लिए आया है? असुरों के लिए। और वेद आया है देवताओं के लिए। उसे आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम परक धर्म है? हाँ, कुरान में लिखी गई जो मूल बातें हैं उन बातों को हम लेते हैं, इसीलिए लेते हैं क्योंकि उसमें भी एक परब्रह्म के विषय में ही बताया गया है। जिस तरह से उपनिषदों में दिव्य ब्रह्मपुर का वर्णन है वैसे ही अर्श आजम कह करके कुरान में वर्णन किया गया है। 14 लोकों का वर्णन हिंदू पक्ष में किया जाता है पुराणों में, वैसे ही 14 तबक का वर्णन कतिप पक्ष में किया गया है। जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ईश्वर और सदाशिव का वर्णन आता है, वैसे ही कतिप परंपरा में भी 5 फरिश्तों का वर्णन किया गया है। तो तात्विक रूप से दोनों में कोई भेद नहीं है। हाँ, भ्रम कहां से शुरू हो जाता है अथवा ये जो धर्म के नाम पर कट्टरता कैसे शुरू होती है उसका मैं उदाहरण आपको देता हूं, तथ्य और उदाहरण दोनों। जैसे मैंने पहले कहा कि कुरान में 60,000 हरफ होने चाहिए थे क्योंकि 30,000 शरीयत के, 30,000 तरीकत के, शबे मेराज के अनुसार, लेकिन आज आप कुरान देखेंगे तो उसमें लगभग 73,000 हरफ हैं, 73,000 कुछ सौ हरफ हैं। तो अगर हम राउंड सर्कल में, राउंड फिकर में ले लें तो 13,000 हरफ जोड़े गए हैं। जो 13,000 हरफ जोड़े गए, उन जोड़े गए हरफों को कुछ मुसलमान ये तो मानते हैं कि हाँ ये शैतानी आयतें हैं, अर्थात शैतान ने की है ये जो फेरबदल। तो उन शैतानी आयतों के द्वारा आज जो जिहाद के नाम पर जो भी कट्टरता चल रही है वो उन जोड़ी गई आयतों से, जोड़ी गई हरफों से है। और मुसलमानों की कट्टरता इतनी है वो कहते हैं कि हाँ शैतानी आयत तो है लेकिन हमें उनको हटाने का अख्तियार नहीं है, हमें उनको हटाने की अनुमति नहीं है। और क्या धर्म के नाम पर कट्टरता केवल मुसलमानों में ही है? हाँ, उनमें राक्षसों जैसी प्रवृत्ति है, हम सभी इस बात को मानते हैं, क्योंकि हिंदुओं में कट्टरता हो सकती है, हिंदुओं में बहुत सारे ऐसे अवगुण हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता के कारण वो दूसरों को जबरदस्ती तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन नहीं कराता है। लेकिन धर्म ग्रंथों में धर्म के नाम पर पाप का आचरण तो हिंदू धर्म में भी हो रहा है। जैसे परमात्मा के नाम पर बलि देने की प्रथा है वो हिंदू धर्म में कहां से आया?
वेद के मंत्रों का ही अनर्थ किया गया है? सती प्रथा की शुरुआत कहां से हुई? वेद के मंत्रों का ही अनर्थ करके किया गया है। ऐसे अनेकों प्रथा, चाहे जातिवाद हो, छोटी जाति और बड़ी जाति, नीच और ऊंच का जो भेदभाव है, उसकी शुरुआत कहां से हुई? वेद मंत्रों का ही गलत अर्थ करके हुई। तो धर्म के नाम पर अधर्म अथवा धर्म के नाम पर अज्ञानता, आडंबर हिंदू धर्म में भी है और इस्लाम मत में भी है। और इस्लाम मत के जितने अनुयायी हैं उनको महामति जी ने खुलासा, सनंद, मारिफत और कयामत नामा से कान पकड़ पकड़ करके चांटा लगाया है। आप सनंद को एक बार पढ़ करके देखें, खुलासा ग्रंथ की टीका, जिसके पास भी ये बात पहुंचेगी, जितने भी इस भ्रामक तथ्य को फैलाने वाले हैं, अगर आप इस चर्चा को जब भी सुने तो श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ की वेबसाइट में spjn.org में श्री खुलासा ग्रंथ की टीका उपलब्ध है। आप शुरू से अंत तक पढ़ जाइए, अर्थ और भावार्थ सहित, आपको पता चलेगा कि महामति जी ने किस तरह से मुसलमानों को फटकार लगाया है कि तुमने धर्म के नाम पर जो किया वो वास्तव में धर्म न होकर के अधर्म कैसे है। मैंने एक उदाहरण दिया, शायद आपको उस एक उदाहरण से स्पष्ट हो जाना चाहिए कि वेद आया देवन पे, असुरन पे, कुरान, ऐसे अनेक उदाहरण से सनंद, खुलासा, मार्फत और कयामतनामा भरे हुए हैं, जिसमें ये सनंद और ये जो चार ग्रंथ जिनका मैं नाम बार बार ले रहा हूँ, ये उनकी प्रशंसा करने के लिए, उनकी बड़ाई करने के लिए, उनको बड़ा दिखाने के लिए नहीं है, उनको फटकार दिखा करके सीधे रास्ते पर ले आने के लिए। हाँ, इस बात को आप तभी स्वीकार कर पाएंगे जब आप अपनी किसी व्यक्तिगत स्वार्थ से अलग हो करके, किसी द्वेष की भावना से हट करके, ईर्ष्या की भावना से हट करके आप देखेंगे, धार्मिक उदारता की भावना से सत्यता को स्वीकार करने के लिए, उसको अंगीकार करने के लिए जब आप उद्यत होकर के इस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आप इस सत्यता को स्वीकार कर पाएंगे। तो मोहम्मद साहब के द्वारा कुरान का अवतरण हुआ और मोहम्मद साहब के जाने के, क्योंकि मोहम्मद साहब की लीला का वर्णन ही इसलिए कर रहे हैं, जैसे कल राजाओं का वर्णन किया गया था वैसे ही मोहम्मद साहब की लीला का वर्णन इसलिए कर रहे हैं, ये बताने के लिए कि साल 990 मास 9 हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे तब। मोहम्मद साहब के जाने के 990 वर्ष और 9 महीना बीतने के बाद, और विक्रम संवत में अगर हम देखें तो संबत 1638 से आशु सुदी 14 को जन्मे दिन श्री देवचंद्र जी आए प्रगटे मारवाड़ में। मोहम्मद साहब के जाने के 990 वर्ष, कते परंपरा के अनुसार 9 सदी संपूर्ण होकर के 10वीं सदी समाप्त होने वाली थी, और विक्रम संवत में अगर हम देखें तो 16वीं जो शताब्दी थी वो समाप्त हो गई थी, और विक्रम संवत 1638 में इस कालमाया के ब्रह्मांड में, जिसको हमने जागनी ब्रह्मांड कहा, इस जागनी के ब्रह्मांड में ब्रह्म सृष्टियों ने आकर के कैसे लीला की, किस तरह से परब्रह्म ने आकर के लीला की दो अलग अलग तन में, ये बताने के लिए मोहम्मद साहब की लीला का संक्षेप में वर्णन किया गया है। तो उस बात को दर्शाने के लिए मोहम्मद साहब की लीला का वर्णन हुआ। अब आगे कह रहे हैं, तामे गाम उमरकोट मतु मेहता घर अवतार, माता जो कुंवर बाई ताको कहो विस्तार। तीसरे दिन की लीला का वर्णन हुआ मोहम्मद साहब के द्वारा। अब चौथे दिन की लीला, क्योंकि हमने कल ही सुना था कि 7 दिन की लीला का वर्णन आता है, 7वें दिन की लीला संपूर्ण करके परमधाम में पहुंचने तक की जो घटनाक्रम है उसको बीतक कहते हैं, तो ये चौथे दिन की लीला है। और अब चौथे दिन की लीला की बीतक की शुरुआत हो चुकी है। श्री देवचंद्र जी के नाम से उस जीव ने जन्म लिया जो जीव पहले देवापी के रूप में था, जिसके विषय में भागवत में लिखा है कि देवापी संतनुर भ्राता मरुच इक्ष्वाकु वंशज क
कलापग्राम आसाते महायोग बलान्वितौ। तावि हैत्य कलेरन्ते वासुदेवानुशिक्षितौ वर्णाश्रमयुतम धर्म पूर्ववत प्रथयिष्यतः। दो जीव जिन्होंने अपने अपने समय में तपस्या की थी, समाधि की अवस्था में उन्हें इस बात का अनुभव हुआ था कि भविष्य में कलियुग में परब्रह्म आकर के दो तनों में दो शरीर में बैठ करके दो जीवों के ऊपर बैठ करके लीला करने वाले हैं, तो वो दो तन हमारे हों, ऐसी चाहना के साथ में, ऐसी इच्छा के साथ में उन दोनों जीवों ने तप की। उनमें से एक जीव था देवापिका, जो कि शांतनु के भाई थे, और वह जीव अब देवचंद्र जी के रूप में जन्म लेता है। और माता का नाम है कुंवरबाई, पिता का नाम है मतु मेहता, और स्थान है उमरकोट, गांव का नाम है उमरकोट, जो वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर आता है। जब जन्मे मारवाड़ में घर अति आनंद नरनार, यह बधाई ब्रह्मांड में त्रिगुण समेत विस्तार। देवचंद्र जी के जन्म होने की खुशी संपूर्ण ब्रह्मांड में मनाई गई। ये इसको हम एक काव्यगत अलंकार कह सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दो तनों के द्वारा, अभी तो एक ही तन की लीला का वर्णन हो रहा है, बीज रूप में इस तन के द्वारा ज्ञान का अवतरण हुआ और दूसरे तन के द्वारा वह वृक्ष के रूप में आगे बढ़ा। तो इन दो तनों से इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति की सौगात मिलनी थी, इसलिए उसकी जो बधाई है संपूर्ण ब्रह्मांड में मिले। आगे कहते हैं, सुखदाई सबन को अखंड करन हार, विश्व बंदे अक्षर लो सुके परीक्षित सो कहियो विचार। सुखदेव जी ने परीक्षित से भागवत में पहले ही यह वर्णन कर रखा था कि किस तरह से ये जो दो जीव हैं आगे कलयुग में इन दो नामों से लीला करने वाले हैं। श्री लालदास जी कहते हैं, विश्व बंदे अक्षर लो, इस विश्व के जो लोग हैं, विश्व के जो प्राणी हैं, वह वंदना अथवा भक्ति किसकी कर रहे थे? उनकी जो अधिकतम जो पहुंच है, सभी लोग अक्षर तक नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अधिकतम जो पहुंच थी, चाहे वेद का ज्ञान की बात करें, चाहे वो पंचवासना की बात करें, अधिकतम पहुंच थी अक्षर ब्रह्म तक की। उससे परे की किसी को भी शुद्ध अथवा पहचान नहीं थी। लेकिन अब वो तन प्रकट हो गए हैं जिनके माध्यम से हमें अक्षर से भी परे की लीला का पता चलने वाला है, जो कि अखंड सुख सबको प्रदान करने वाले हैं, और अखंड सुख का ज्ञान देने के साथ साथ में संपूर्ण ब्रह्मांड को अखंड करने वाले हैं। और आगे कहते हैं, सतयुग के बीज भूत इनो बीच रहे विस्तार। ये तो जो दो तन हैं देवचंद्र जी और मिहिरराज जी के, इनके अंदर सतयुग के बीज भूत रहेंगे। सतयुग के बीज भूत का तात्पर्य क्या है? चार युग जो युग हैं, चार युग अवस्था का नाम है। एक तो समय सीमा भी हम बताते हैं कि एक का 4,32,000, फिर 8,64,000, फिर 17,00,000 वर्ष, फिर 34-35,00,000 वर्ष, ऐसे हमने समय सीमा हमने बांधी हुई है। लेकिन जो चार युग हैं वास्तव में अवस्था का नाम है। अवस्था कैसे? कलिर शयानो भवती, शयन का मतलब सोना। अगर हम अज्ञानता की नींद में सो रहे हैं तो उस अवस्था का नाम है कलयुग। ज्ञान प्राप्त करके जागृत होने की अवस्था का नाम है द्वापर। जब हम अपने स्थान में खड़े हो जाते हैं ज्ञान प्राप्त करके, तो उस अवस्था का नाम है त्रेता। और धावमान इति सतयुग, लक्ष्य प्राप्ति की तरफ जब हमने दौड़ना शुरू किया, अर्थात लक्ष्य प्राप्ति की तरफ हम चल पड़े अपनी आध्यात्मिक मंजिल की तरफ, तो वो हो गया सतयुग की अवस्था। तो अध्यात्म की तरफ चलाने का जो ज्ञान है, वह ज्ञान इन दो तनों के माध्यम से प्रकट होगा। इसलिए कहते हैं, सतयुग के बीज भूत इनों बीच रहे विस्तार, इनके द्वारा उसका विस्तार होगा।
परब्रह्म के धाम स्वरूप और लीला के ज्ञान का विस्तार होगा और होवे सब में जाहिर अखंड ये संसार। इन दो तनों के माध्यम से सब में वह ज्ञान जाहिर हो जाएगा और उस ज्ञान के माध्यम से इस ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब से ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तब से धर्म ग्रंथों में इस बात की साक्षी ली गई, साक्षी दी गई है। और श्री लालदास जी कहते हैं, जन्म से ले बीतक जाके सुने पतिजे मन। देवचंद्र जी के जन्म से लेकर के आगे जिस बीतक का वर्णन सुनने जा रहे हैं हम, न केवल उसको सुनने से, केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसके हिसाब से आत्मसात करने से हमारे हृदय को शांति प्राप्त होगी, हमारे हृदय में विश्वास अथवा ईमान की उत्पत्ति होगी। और जिसका वर्णन कुरान में कहा किया गया है कि सोई सरत कुरान में लिखी 120 बरस, जिसके विषय में हमने कल भी सुना कि 120 बरस की लीला का वर्णन किया गया है, चार पांच और छठे दिन की लीला, जिसमें से चौथे दिन की लीला की अब शुरुआत हो चुकी है। श्री लालदास जी कहते हैं, तीन स्वरूप की बीतक जन्म से लेकर सो कहूँ आगे सयनो ए चर्चा सब ऊपर। इससे पहले की जो लीला थी वह तो केवल एक भूमिका थी, बीतक की भूमिका थी, लेकिन आगे जो देवचंद्र जी के जन्म से बीतक की शुरुआत हो रही है ये चर्चा सर्वोपरि है। अब देवचंद्र जी की बीतक की शुरुआत वास्तव में हो रही है। जन्म के विषय में हम सब ने सुना, जन्म के बाद में जब देवचंद्र जी 11 वर्ष के हुए, आज अगर कोई व्यक्ति, कोई बालक 11 वर्ष का होता है, उसके हृदय में क्या क्या इच्छा हो सकती है? वर्तमान में अगर परिस्थिति को देखें कि माता पिता के हाथ में जो मोबाइल है उसका पासवर्ड मुझे मिल जाए, गेम खेलने को मिल जाए, है ना, माता पिता हमें बाहर होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाएं, अच्छे अच्छे पार्क में घुमाने के लिए ले जाएं, यही इच्छा होती है एक सामान्य बालक की। लेकिन चूंकि देवचंद्र जी सामान्य बालक नहीं है, पहली बात तो उस जीव के अंदर श्यामा जी विराजमान है, और दूसरा सिर्फ जीव भाव से भी देखें तो वह जीव भी पूर्व जन्म का योगी रहा है, तपस्वी रहा है, तो उनके हृदय में अन्य बालकों की तरह खेलने खाने कूदने की इच्छा नहीं है। उनके हृदय में इच्छा क्या है, कहते जब भया बरस 11वां तब मन उपजो विचार, मैं कौन कहां थे आईयो कहां मेरो भरतार। ये अध्यात्म जगत के मूल प्रश्न है और किसी सामान्य व्यक्ति के हृदय में सरलता से ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। आज इस घटनाक्रम को वर्षों से सुनने के बावजूद भी हमारे हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते। हम सिर्फ कथा सुनते हैं, कथा करते हैं, इन प्रश्नों का उत्तर जानने की जिज्ञासा हमारे अंदर उत्पन्न नहीं होती है। लेकिन देवचंद्र जी के हृदय में ये प्रश्न उत्पन्न हुए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी आत्मा का प्रियतम कौन सा है। अब उसके समाधान में, उस इच्छा की पूर्ति के लिए वो कहते हैं, पूछत फिरे परदेश में कहाँ है परमेश्वर, जिन सबको पैदा किया सो कहाँ है सब ऊपर। वह परमात्मा कौन है और कहाँ है जिसने सबको पैदा किया, जो सबसे ऊपर रहने वाला परमात्मा है। सबसे ऊपर रहने का मतलब, अभी उनको धाम का पता नहीं है, लेकिन सबसे ऊपर कहने का मतलब है कि वो सर्वशक्तिमान है, सबसे महान है। वो परमात्मा कहाँ पर है, अब लोग क्या बताएंगे। सनन ग्रंथ में एक चौपाई आती है कि सो तेता ही बोलिया जो गया जहां लो चल, अपने अपने मुख थे बया करे मजल। तो जिनकी पहुंच, जिनका ज्ञान जहां तक का होगा वो वैसे ही वर्णन करेंगे। तो किसी ने कहा, वह घट घट कोई कहे, वह घट घट है व्यापक संसार। अब देवचंद्र जी सोचते हैं कि जब वो घट घट में व्यापक है तो मुझ में भी व्यापक है, तो तब जानिया वह निकट यही ग्रहों में सार। इसी बात को मैं अब सार रूप में ग्रहण करता हूँ कि वो मेरे से नज़दीक है, और अगर वो नज़दीक है तो फिर मैं उसको पा क्यों नहीं सकता। ये उनके अंदर की सकारात्मकता है। यही सकारात्मकता, यही विश्वास, जैसे हम वाणी में, जब हम वाणी की चर्चा सुनते हैं तो हम कहते हैं कि राज्य के प्रति ईमान होना चाहिए, दृढ़ ईमान होना चाहिए। जब भी हम आध्यात्मिक रास्ते पर, आध्यात्मिक राह पर चलना शुरू करते हैं,
तो अवस्था हमारी अलग अलग आती रहती है। अब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो उस रास्ते पर चलने के विषय में केवल सोचते हैं, सोचते सोचते थक जाते हैं और फिर सोचना भी छोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दो चार कदम चलते हैं, उनको लगता है कि नहीं, हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते, वापस लौट जाते हैं। कुछ लोग आधे रास्ते तक चलते हैं, आधे रास्ते पर चल करके फिर सोचते हैं कि अब तक प्राप्त नहीं हुआ, इतना जीवन हम चल चुके हैं। उनको नहीं पता है कि अभी हम आधे रास्ते में चले हैं। अगर उनको ये पता होता कि आधा रास्ता हमने तय कर लिया तो आगे उतना चल लेते, लेकिन उनको पता नहीं है, लेकिन आधे रास्ते से वो वापस लौट जाते हैं। और कुछ विरले ही ऐसे होते हैं जो अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। लेकिन इसके पीछे का मूल कारण क्या है, लक्ष्य तक न पहुंचने का मूल कारण क्या है, कि जैसा विश्वास देवचंद्र जी को है वैसा विश्वास न होना। एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति एक वृक्ष के नीचे साधना कर रहा था, तपस्या कर रहा था। नारद जी वहां से गुजर रहे थे, वो अपने ध्यान में आंख बंद करके मग्न होकर के वो नाच रहा था, ध्यान नहीं कर रहा था, भावलीनता में वो डूबा हुआ था। नारद जी ने देखा कि ये ऐसा व्यक्ति है, आंख बंद करके बैठा हुआ है, तो उन्होंने पूछा कि तुम ऐसा कब से कर रहे हो। बोले, ये जो पत्ते देख रहे हैं पेड़ के, कहा, बोले ये जितने पत्ते हुए हैं उतने युग से मैं साधना कर रहा हूं। अब नारद जी के मन में शंका हुई कि इतने लंबे समय से ये साधना कर रहा है, इसको भगवान दर्शन देंगे भी या नहीं। तो नारद जी ने कहा कि अच्छा, मैं भगवान के पास ही जा रहा हूं, तुम्हें कुछ पूछना तो नहीं, तुम्हें कुछ चाहिए तो नहीं। तो उन्होंने कहा उस साधक ने कि आप अच्छा भगवान जी से इतना पूछ देना कि वो मुझे दर्शन कब देंगे। तो भगवान जी के पास पहुंचे नारद जी, नारद जी ने जाकर के पूछ लिया कि आपका एक भक्त है, इतने युगों से साधना कर रहा है और वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि आप उनको दर्शन कब देंगे। भगवान जी ने कहा कि जितने पत्ते अभी पेड़ में हैं उतने युग और लग जाएंगे, तब उसको दर्शन मिलेगा। नारद जी ने जाकर के खबर दे दी। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, अब तो वो और जोर जोर से नाचने लग गए। नारद जी सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं हो गया, क्योंकि युगों की बात हो रही है, जितने पत्ते हैं उसमें उतने युगों की बात हो रही है। तो नारद जी ने कहा कि तुम्हें ठीक से सुनाई तो पड़ा ना, इतने युग के बाद दर्शन देने वाले हैं। तो उस साधक ने क्या जवाब दिया कि कभी तो देंगे ना, इतना तो ये तय हो गया कि मैं उनके दर्शन का अधिकारी हूं, उनके दर्शन का मैं लायक हूं और कभी ना कभी तो दर्शन देंगे मुझे, तो इतना विश्वास मेरे लिए काफी है, पर्याप्त है। अब मैं अपनी साधना में और दृढ़ विश्वास के साथ और अधिक प्रेम के साथ कर सकता हूँ। और जैसे ही ये बात नारद जी ने कही, अब भगवान वहां पर प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उन्होंने दर्शन दिया। साधना तो वो कर रहे थे, विश्वास के साथ में ही कर रहे थे, लेकिन वो जो एक बात थी, कहीं पर एक कमी रह रही थी संशय रूपी, तो उस थोड़े से संशय के कारण उनको दर्शन नहीं मिल रहा था। लेकिन जैसे ही वो बात भी, वो जो कमी थी वो भी समाप्त हो गई, उसके बाद उनको दर्शन प्राप्त हुआ। वैसे ही देवचंद्र जी ने कहा कि अच्छा, वो मेरे निकट है तो मैं उसको प्राप्त करके ही रहूंगा, और खोज करने लग गए। और खोज के क्रम में वहां पास में ही एक मंदिर था पिंगल श्याम का, पिंगल श्याम अर्थात कृष्ण जी की मूर्ति वहां पर रखी गई थी, टेढ़ी मूर्ति। आप सब ने देखी होगी, कृष्ण जी की एक मूर्ति होती है जिसमें कृष्ण जी बांसुरी बजा रहे हैं और पैरों को क्रॉस करके वो खड़े हैं, थोड़ा सा कमर को झुका करके। तो उस मूर्ति को पिंगल श्याम की मूर्ति कहते हैं। तो उसका मंदिर था वहां पर, एक देहुरा था, वहां जाकर के देवचंद्र जी परिक्रमा देने लग गए। प्रतिदिन एक प्रहर की परिक्रमा करते हैं, दंडवत परिक्रमा। दंडवत परिक्रमा का अर्थ शायद आप लोगों को पता होगा, पूरी तरह से लेट करके परिक्रमा करना। तो इस तरह से कसनी कर रहे हैं, एक तरह से तपस्या कर रहे हैं।
सुबह सुबह उठ करके, क्योंकि उस समय में उमरकोट अथवा मारवाड़ में पानी की कमी थी, रेगिस्तानी स्थान था, तो प्रतिदिन नहाना संभव नहीं होता था। इस कारण से साधु संत भी वहाँ पर कम आते थे। अब देवचंद्र जी सुबह सुबह लोटा लेकर के निकलते हैं, जिसको हम नित्य क्रिया कहते हैं, नित्य क्रिया के लिए निकलते हैं, दांत इत्यादि धोने के लिए, दांतों इत्यादि करने के लिए, और दंत धावन और नित्य क्रिया समाप्त करके मंदिर पहुँचते हैं। मंदिर पहुँच करके प्रतिदिन एक प्रहर की परिक्रमा करते हैं। अब साधु संत कोई न आने के कारण देवचंद्र जी की मन की जिज्ञासा तो समाप्त नहीं होती है। 11 वर्ष से उनके अंदर इच्छा उत्पन्न हुई है और 11 वर्ष से लेकर के 16 वर्ष की अवस्था तक वो यही क्रिया प्रतिदिन करते रहते हैं, अर्थात 5 वर्ष तक प्रतिदिन 3-3 घंटे की परिक्रमा करते हैं। अब इस बीच में एक दिन उनको अपने पिता के साथ में कच्छ देश जाना होता है। कच्छ देश में देखते हैं कि वहाँ पर मंदिरों की भरमार है, जितने मंदिर हैं फिर साधु संत भी उसी हिसाब से। तो देवचंद्र जी वापस तो आए, लेकिन वापस आकर के सोचते हैं कि अगर मैं कच्छ चला जाऊँ तो वहाँ पर साधु संतों की, महात्माओं ज्ञानियों की संगति में शायद मुझे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो और शायद कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझे उस परब्रह्म का ज्ञान दे, उस परब्रह्म तक पहुंचने का, उसको पाने का रास्ता बताए, तो मेरी जो राह है वो आसान हो जाए, मैं आगे अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं। तो यह विचार करके उन्होंने सोचा कि अब मुझे कच्छ देश जाना है। तो अब कच्छ जाने के लिए देवचंद्र जी किस तरह से तैयारी करते हैं, उनके अंदर का जो वैराग्य है वह किस तरह से वैराग्य की ज्वाला के रूप में और अधिक बढ़ता रहता है, और किस तरह से देवचंद्र जी कच्छ में पहुंच करके खोज करते हैं, कहां कहां जाकर के खोज करते हैं, किससे कैसा ज्ञान और कहां तक का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसकी चर्चा सुनेंगे हम कल। अब समय पूरा होता है, चौपाई दो रहिए। बात तब की मन में रहे, मैं जाऊं कच्छ में, तहां जाय के खोज करूं, पाऊं परमेश्वर तिन से, पाऊं परमेश्वर तिन। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज।